के बाद इंतजामी की कार्रवाई के बाद हुकूमत के एक बड़े ऐलान की, जिसका आगाज बाकायदा आज से होने जा रहा है। और इस ऐलान का मकसद मुल्क के अंदर उस मुहिम को मजीद आगे ले जाना है जो पिछले साल 16 जनवरी को शुरू हुई थी। वैक्सीनेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। 16 जनवरी को बाकायदा आगाज हुआ और वैक्सीन ब्रेकिंग के साथ जरा प्ले कर दीजिएगा, जहां मुल्की सतह पर आज वैक्सीनेशन का बच्चों के लिए भी आगाज होने जा रहा। और इस बीच यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर भी प्लान इंतजामिया ने तर्तीब दे दिया है, जहां पर 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए टीकाकारी का आज आगाज होने जा रहा है। मुल्क भर के अंदर वैक्सीनकारी का ये मरहला आज शुरू हो गया। आज 3 जनवरी है और डेट के हिसाब से मुल्क भर के अंदर आज 15 साल से 18 साल तक के उम्र के बच्चों की वैक्सीनकारी का अमल हाथ में लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 1000 वैक्सीनेशन साइट्स बना दी गई है। 1000 मरकज होंगे एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर वैक्सीन कारी के निजाम को हाथ में लिया जाएगा। 857 सेंटर ऐसे होंगे जो स्कूलों के अंदर लगाए गए हैं, अपने मकामी स्कूलों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 857 सेंटर होंगे। और कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर जो मुहिम छेड़ी गई है सरकार की तरफ से कि 15 से 18 साल तक की उम्र के हवाले से जो वैक्सीनेशन का अमल है, उसमें आज सुबह से ही रफ्तार जहां पूरे मुल्क के अंदर देखने को मिल रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी थोड़ी देर में वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। 560 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स कश्मीर रीजन के अंदर है और 459 वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो जम्मू सूबे के अंदर जो है वो आज से काम करेंगे, जहां पर 15 से 18 साल तक के उम्र के बच्चे जो है वो अपनी वैक्सीनेशन जो है वो लगाएंगे। ये वैक्सीनेशन सेंटर्स जोनल, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगा दी गई हैं और सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स के साथ साथ कोशिश की गई है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन लूप रखा जाए। 145 सेंटर जो एस्टैब्लिश जम्मू के अंदर किए गए हैं, उनमें तकरीबन जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर 69 सेंटर्स लगा दिए गए हैं। रामबन के अंदर 52 सेंटर है जी, उधमपुर के अंदर 51 सेंटर है, कठुआ के अंदर भी 51 सेंटर है, डोडा के अंदर 34 सेंटर्स हैं, रियासी के अंदर 30 सेंटर्स लगा दिए गए हैं, 28 पुंछ के अंदर, 27 रजौरी के अंदर, 13 सांबा के अंदर, 10 जिला किश्तवाड़ के अंदर सेंटर जो है वो बैक वक्त काम करेंगे। इसी तरीके से 560 सेंटर्स जिन्हें एस्टैब्लिश किया गया है जी कश्मीर रीजन के अंदर, वहां पर 517 सेंटर जो है वो सीएससी, पीएससी और स्कूलों के अंदर लगेंगे। बाकी ईमानदार सेंटर्स भी जो है वो इसी तरीके से काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एलोकेशन रात देर गए जारी कर दी गई है, जिला अनंतनाग के अंदर सबसे पहले बांडीपोरा में 45, बारामूला में 50, बड़गाम के अंदर 29, 22 गांधरबल, 82 कुलगाम, 44 कुपवाड़ा, 92 पुलवामा, 12 शुपियान और इसी तरीके से अक्रॉस द श्रीनगर 45 से ज्यादा साइट जो है वो बना दी गई है। और श्रीनगर साइट्स की जहां तक हम बात करें तो फटाफट से आप याद रखिएगा, क्योंकि बच्चों को आपको अभी लेना होगा। गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर भी सेंटर रख दिया गया, उसके साथ साथ स्पेशल सेंटर्स कहां पर होंगे जी, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नवाकदल, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जालडगर, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल तेलबल, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हजरतबल और उसके साथ साथ कई जो सेंटर्स है मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स राजबाग, परेपोरा और बटकदल एरिया के अंदर भी है, यानी वो एरियाज है जहां पर मास्टर पढ़ाते हैं, प्राइवेट ट्यूशन चल रहे हैं, वहां पर मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स लगा दिए गए हैं, ताकि 15 से 18 साल तक का ये जो पहला मरहला है ये कामयाबी के साथ हमकिनार हो सके।